चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके बगल के बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नए अपलोड का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का ये जो क्लास है ये रिटन इंग्लिश से रिलेटेड है। आज मैं आपको इंग्लिश लिखने की कुछ टेक्निक्स को बताऊंगा, जिस टेक्निक्स का अप्लाई करके आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को कलेक्ट करो और कैसे उसे कम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते। एक सेंटेंस देखो, छोटा सा सेंटेंस मैंने एक लिया है और उसको कैसे मैं कम्प्लेक्स बनाता हूं आप जरा देखो, इस टेक्निक को देखो, सीखने की कोशिश करो। चलो हमारा सेंटेंस क्या है देखो, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण आर गेटिंग मैरिड इन इटली। रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण आर गेटिंग मैरिड इन इटली, इसका मतलब हुआ कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जो है वो इटली में शादी कर रही है। ये एक सेंटेंस है, ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस एंड यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस वेरी इजीली। आप इसकी मीनिंग को बड़ी आसानी से समझ सकते हो, कितना सिंपल सा सेंटेंस लग रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं कैसे हार्ड बनाऊंगा तो देखो, अब हार्ड बनाने के लिए करना क्या है, जैसे रणवीर सिंह हुआ और ये दीपिका है, दीपिका पादुकोण है, इसके बारे में आप पहले कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और फिर कलेक्ट करने के बाद इसका इन्फॉर्मेशन सेग्रेट, इसका इन्फॉर्मेशन लिखो एंड लिखो, फिर इसका इन्फॉर्मेशन लिखो, ये इस पार्ट को जोड़ दो, इस पार्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये पार्ट को जैसे वैसे हम जोड़ देंगे तो आप देखिएगा कि कैसे हमारा एक कॉम्प्लेक्स जो है छोटा सा एक सेंटेंस तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको देखने में। बड़ा सिंपल सा तरीका, उस तरीका को अपना करके आप भी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो चलिए जरा आप देखते हैं, पहले जो हमने कलेक्ट किया थोड़ा सा, जैसे कि मैंने क्या लिखा, रणवीर सिंह इज एन इंडियन फिल्म एक्टर। रणवीर सिंह एक भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता है। ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 6, 1985। उनका जन्म 6 जुलाई 1985 को हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड इन इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन। उनका शिक्षा दीक्षा जो था इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन में हुआ था। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ फिल्म एक्टर इन 2010। उन्होंने अपना फिल्म कैरियर जो था वो 2010 में एक फिल्म एक्टर के रूप में स्टार्ट किया। हिज फर्स्ट फिल्म वॉज बैंड बाजा बारात। उनकी पहली मूवी बैंड बाजा बारात थी। इट वॉज ए सक्सेसफुल मूवी, एक सफल सिनेमा थी। ये इन्फॉर्मेशन रणवीर सिंह के बारे में, ठीक। ऐसा इन्फॉर्मेशन हमने दीपिका पादुकोण के बारे में भी कलेक्ट किया है। दीपिका पादुकोण इज एन इंडियन फिल्म एक्ट्रेस। दीपिका पादुकोण एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। सी वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 5, 1986। उनका जन्म 5 जनवरी 1986 में हुआ। सी स्टार्टेड हर कैरियर एज अ मॉडल। उन्होंने अपना कैरियर मॉडल के रूप में स्टार्ट किया। हर फर्स्ट बॉलीवुड हिंदी मूवी वॉज ओम शांति ओम। उनकी पहली बॉलीवुड हिंदी मूवी थी ओम शांति ओम। हर फादर प्रकाश पादुकोण वॉज अ नेशनल बैडमिंटन प्लेयर। उनके पिताजी प्रकाश पादुकोण एक राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। तो फ्रेंड्स, वी हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट रणवीर सिंह एंड वी हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दीपिका पादुकोण। वी विल एड दीज टू इन्फॉर्मेशन, हम दोनों इन्फॉर्मेशन को जोड़ेंगे और ये छोटा सा दिखने वाला जो सेंटेंस है सिंपल सा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो आप देखो कैसे हम इसको ऐड करते हैं, कैसे इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टेक्निक उसी को, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना तो इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलो सबसे पहले रणवीर है तो मैं यहां पर लिख देता हूं रणवीर, ओके सिंह। अब क्या है ये, एंड यहां से रणवीर सिंह इज है, इसको हम लोग इतना दूर अवॉइड करेंगे, वी विल अवॉइड दिस पार्ट, इस पार्ट को हम अवॉइड करेंगे, ओके। अब क्या लिखेंगे, एंड इंडियन फिल्म एक्टर, इसमें इस पार्ट को अवॉइड करेंगे, बॉर्न ऑन जुलाई 1985। यहां इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। एडुकेटेड इन इंडियाना यूनिवर्सिटी, ठीक है, ब्लूमिंगटन, ठीक है, यहां पर इसको अवॉइड करो। स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ फिल्म एक्टर इन 2010, ठीक है। फर्स्ट फिल्म ये हिज को अवॉइड करो, वर्ड्स को अवॉइड करो, फर्स्ट फिल्म बैंड बाजा बारात, ठीक है।
उसके बाद हम लिखेंगे एंड या एंड लिखेंगे एक्चुअली ये एंड इसको लेंगे ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में था रणवीर के बारे में एंड फिर लिखते हैं दी पी का पदुकोण ठीक है और यहां पर ये इज को हम लोग और इस दीप का पदुकोण को अवॉइड करेंगे क्योंकि मैंने यहां पर दीप का पदुकोण लिख दिया है ठीक है एंड इंडियन फिल्म एक्ट्रेस यहां पर सी वर्ड को अवॉइड करेंगे बॉर्न ऑन जनवरी 5, 1986 सी को अवॉइड करेंगे स्टार्टेड हर कैरियर एज अ मॉडल यहां पर आप अवॉइड करेंगे इसको हर को ठीक है वर्ड्स को अवॉइड करेंगे फर्स्ट बॉलीवुड हिंदी मूवी ओम शांति ओम ओके फादर ठीक है प्रकाश पादुकोण ओके वॉइस को अवॉइड कर दो और नेशनल बैडमिंटन प्लेयर ओके अब दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन है यहां से यहां तक आप देख सकते हो ये जो इंफॉर्मेशन था रणवीर सिंह के बारे में इंडियन फिल्म एक्टर बॉर्न ऑन July 6, 1985 ओके एजुकेटेड इन इंडियाना यूनिवर्सिटी बर्लिंगटन स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ फिल्म ओके एक्टर इन 2010 फर्स्ट फिल्म बैंड बाजा बारात एंड दीपिका पादुकोण ये नेम है सिंगल नेम वन नेम एंड इंडियन फिल्म एक्ट्रेस बॉर्न ऑन January 5, 1986 स्टार्टेड हर कैरियर एज मॉडल फर्स्ट बॉलीवुड हिंदी मूवी ओम शांति ओम फादर प्रकाश पादुकोण नेशनल बैडमिंटन प्लेयर अब ये जो आधा इंफॉर्मेशन इसमें हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अबाउट रणवीर सिंह एंड हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अबाउट दीपिका पादुकोण ओके हम यहां पर एंड से यहां पर आप देख सकते हो यू कैन सी हियर एंड जो यहां पर था इसको ये दोनों पार्ट को जोड़ दिया अब सीधे इसको लिख दे आर गेटिंग मैरिड इन इटली टूडे डेटेड आज का डेट हो गया 14/11 ऐसे लिखते हैं डेटेड November 14, 2018 तो दोस्तों ये टेक्निक्स है दिस इज द टेक्निक ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निक यू कैन मेक सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स आप इस टेक्निक के आधार पर सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हो एक सेंटेंस हमने एक सेंटेंस लिया था ये सेंटेंस यहां से फिर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं तो हमारा सेंटेंस था रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण आर गेटिंग मैरिड इन इटली इसका मतलब हुआ कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जो है इटली में शादी कर रही है अब इसी सेंटेंस को मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया इसके लिए मैंने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद दोनों इन्फॉर्मेशन को एंड से जोड़ दिया फिर आर गेटिंग मैरिड जैसे था वैसे मैंने सेंटेंस के पैटर्न पर बैठा दिया तो आप इसको देखिए एक बार इसका मीनिंग समझ में आ गया फिर मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं रणवीर सिंह इज एन इंडियन फिल्म एक्टर ही वॉज बॉर्न ऑन July 6, 1985 ही वॉज एजुकेटेड इन इंडियाना यूनिवर्सिटी बर्लिंगटन ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ फिल्म एक्टर इन 2010 हिज फर्स्ट फिल्म वॉज बैंड बाजा बारात इट वॉज ए सक्सेसफुल मूवी दीपिका पादुकोण इज एन इंडियन फिल्म एक्ट्रेस सी वॉज बॉर्न इन January 5, 1986 सी स्टार्टेड हर कैरियर एज ए मॉडल हर फर्स्ट बॉलीवुड हिंदी मूवी वॉज ओम शांति ओम हर फादर प्रकाश पादुकोण वॉज ए नेशनल बैडमिंटन प्लेयर अब इस दोनों पार्ट को लेकर यहां पर मैंने जोड़ा जो हमारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो उसको मैं एक बार दिखाता हूं रणवीर सिंह एन इंडियन फिल्म एक्टर बॉर्न ऑन July 6, 1985 एजुकेटेड इन इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए फिल्म एक्टर इन 2010 फर्स्ट फिल्म बैंड बाजा बारात एंड दीपिका पादुकोण इंडियन फिल्म एक्ट्रेस बॉर्न ऑन January 5, 1986 स्टार्टेड कैरियर एज मॉडल
फर्स्ट बॉलीवुड हिंदी मूवी ओम शांति ओम फादर प्रकाश पादुकोण अ नेशनल बैडमिंटन प्लेयर आर गेटिंग मैरिड इन इटली टुडे डेटेड नवंबर 14, 2013। तो फ्रेंड्स कैसा लगा टेक्निक, जरूर अच्छा लगा होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस टेक्निक को आप सीख जाते हो तो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिखनी आपको भी आ जाएगी। कब तक लिखते रहोगे राम जाता है, राम नहीं जाता, राम क्यों जाता, राम कहां जाता है, दैट्स नॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश लिखने का मतलब कम से कम ऐसा लिखो, ये स्टार्टिंग है, इट्स स्टार्टिंग। आगे और भी हार्ड से हार्ड चीजों को मैं जोड़ना बताऊंगा। तो तत्काल आ दीजिए विकास कुमार को इजाजत, और इसको देखिए, सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टेक्निक्स और नए ट्रिक्स के साथ। तो तब तक इसको देख करके सीखते रहिए, और अगर इसको नोट डाउन करना चाहेंगे जरूर इसको नोट करो, कॉपी पर प्रैक्टिस करो, इसके लिए आप इसके स्क्रीनशॉट लेना।